हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोपीकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजर जे आर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केजे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिल और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, करुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल, कैमियो अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर, कैमियो अपीयरेंस आर रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला, दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेल लाइकरन 2017 और शिमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु नेत्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सिमरन राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24 AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और एआर रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने नीरव शाह सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अम्बरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली।
जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कोट्टथम और बालासवर्णन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजेआर स्टूडियो, फैंटम एफएक्स स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केजेआर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करेंटम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, कुरुणाकरण एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल, कैमियो अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर, कैमियो अपीयरेंस आर रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था। रैम 2016 की, वेलाइकरण 2017 और शिमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की।
जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और हिमराजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासात सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जोन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिव कार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिव कार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो KZR स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी, कौठम और बाला सौरवर्धन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस वनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फोर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलीजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, करुणाकरण एज सुगृत राजा
योगी बाबू एस टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस, एस डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एच तमिजस मदर, बाला सरवनन एच तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद हो एच आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एच चीफ साइंटिस्ट एच आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एच अर्जुन एलिज ऑफ एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एच वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एच ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एच चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एच विलेजर, सुजाता बाबू एच न्यूज रीडर, मुंशी कांत एच इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मॉरियन एच फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एच ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला, दर्शन एच ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरण 2017 और शिमराजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरण और शिमराजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो शिमराजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने 3 अभिष को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कौटथम और बाला सरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कौशिक
कर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोपीकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए ए आर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजर जे आर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केजे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिल और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ अर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, करुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशीकांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेल लाइकरन 2017 और शिमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सिमरन राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24 AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फेयर फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और ए आर रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर
लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वात सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अम्बरीव, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पॉल लुइसिंग को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कोट्टथम और बालासवर्णन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट में है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, कुरुणाकरण एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल, कैमियो अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर, कैमियो अपीयरेंस आर रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं।
डेवलपमेंट। 24 AM स्टूडियो स्वीकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरण 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने स्वीकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरण और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24 AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासात सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जोन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो आर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने 3 अभिष को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी, कौटथम और बालासोरवर्धन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जेरा जेस और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है।
तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय सविता राधा कृष्णन श्रद्धा केकर एज आर्यन ईशा कॉपिकर एज इलीजा वॉइस डबड बाय सविता राधा कृष्णन करुणाकरण एज सुगृत राजा योगी बाबू एस टाइसन डेविड ब्रॉटन डेविस एस डेक्स्टर विलियम्स बहनपुरिया एस तमिजस मदर बाला सरवनन एस तमिजस फ्रेंड राहुल मोहम्मद एस आर्यन हेंसमैन उज्जवल चोपड़ा एस चीफ साइंटिस्ट एस आर्यन इंडस्ट्रीज सीजॉय वर्गेस एस अर्जुन एलिस ऑफ एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल सिमलर सिमलर अन्नम एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर फाइनली भरत एच वीडियो कॉलर कोडांकी वेडिवेल एच ड्रंकर्ड लोकलीट सुमैथी एच चेन रॉबरी विक्टिम वेट्रीवल राजा एच विलेजर सुजाता बाबू एच न्यूज रीडर मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस जीरोज मॉरियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था रैम 2016 की वेलाइकरण 2017 और सीमा राजा 2018 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरण और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल कला निर्देशक टी मथुराज स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिव कार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिव कार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को शेयरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने 3 अभिष को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण
को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। तो 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया कोट्टथम और बाला सरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए ए आर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है जे आर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए के जे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिल और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ और टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, करुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, भानपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशीकांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के प्रूफ प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेल लाइकरन 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु नेत्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया
जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और हिम्मया राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फेयर फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासा सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अम्बरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिव कार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिव कार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो KZR स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कौटथम और बालासोर वर्णन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करेंटम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, कुरुणाकरण एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर,
कोडांगी वेडिवेल ड्रंकर्ड लोग के लिए लीट सुमैथी एस चेन रॉबरी विक्टिम वेटरीवल राजा एच विलेजर सुजाता बाबू एच न्यूज रीडर मुंशीकांत एच इंस्पेक्टर श्री रात नावेल कैमिया प्रिंस जीरोज मारियन एच फेक मनी लेंडर कैमिया प्रिंस और रवि कुमार एच ट्रेन पैसेंजर कैमिया प्रिंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला दर्शन एच ट्रेन पैसेंजर कैमिया प्रिंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोस शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री तीन फिल्मों का निर्माण किया था। रैम 2016 की वेलाइकरण 2017 और सीमा राजा 2018 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरण और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जोन पॉल कला निर्देशक टी मथुराज स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो आर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी इसको फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कौटथम और बाला सौरवर्धन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिहित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे
लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटपाड़ी जेरा जैस और इसे स्टारिंग दिए हैं शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए ए आर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजर जे आर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए के जे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस ओनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय सविता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलीजा वॉइस डबड बाय सविता राधा कृष्णन, करुणाकरन एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजय वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला, दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासा सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का
निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को शहरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरनो को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया कोट्टथम और बाला सरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजेआर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केजेआर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ और टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, कुरुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, भानपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजो वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल, कैमियो अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर, कैमियो अपीयरेंस आर रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था। रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक
महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरण और हिमया राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फेयर फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासा सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अम्बरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिव कार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिव कार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो KZR स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कोट्टथम और बालासवर्णन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिहित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट में 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, कुरुणाकरण एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बालासवर्णन एज तमिजस फ्रेंड।
राहुल मोहम्मद हो एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मॉरियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला, दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री तीन फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरण 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरण और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जोन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी इसको फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कौटथम और बाला सौरवर्धन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिहित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोपीकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है जे आर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए जे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिल और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस ओनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबेड बाय सविता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबेड बाय सविता राधा कृष्णन, करुणाकरन एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहन पूरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजय वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और शिमराजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सिमराजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सिमराजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने नीरव शाह सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली।
जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को शहरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर रवि को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरनो को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया कोट्टथम और बाला सरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजेआर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केजेआर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिवकार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ और टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्विता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्विता राधाकृष्णन, कुरुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजो वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल, कैमियो अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर, कैमियो अपीयरेंस आर रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था। रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की।
जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरन और हिमया राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फेयर फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासा सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जोन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अम्बरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कौठम और बालासोर वंदन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिहित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट में है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिवकार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलीजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधा कृष्णन, कुरुणाकरण एज सुगृत राजा,
योगी बाबू एस्टाइशन, डेविड ब्रॉटन डेविस, डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एच तमिजस मदर, बाला सरवनन एच तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एच आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एच चीफ साइंटिस्ट एच आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एच अर्जुन एलिस ऑफ एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एच वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एच ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एच चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एच विलेजर, सुजाता बाबू एच न्यूज रीडर, मुंशीकांत एच इंस्पेक्टर श्री रात नावेल, कैमिया अपीयरेंस जीरोज मारियन एच फेक मनी लेंडर, कैमिया अपीयरेंस आर रवि कुमार एच ट्रेन पैसेंजर, कैमिया अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एच ट्रेन पैसेंजर, कैमिया अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री तीन फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरण 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरण और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जोन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी इसको फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कौटथम और बाला सरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिक
कर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोपीकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है जे आर स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए जे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस वनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबेड बाय सविता राधा कृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबेड बाय सविता राधा कृष्णन, करुणाकरन एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहन पूरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और शिमराजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सिमराजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सिमराजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर
लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अमनबरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पॉल लुइसिंग को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को शेयरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरनो को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कोट्टथम और बालासरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोपीकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ और टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय स्वेता राधाकृष्णन, कुरुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजो वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रत्नावेल, कैमियो अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर, कैमियो अपीयरेंस आर रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर, कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं।
डेवलपमेंट। 24 AM स्टूडियोज स्वीकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक ऑडी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैमो 2016 की, वेलाइकरन 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने स्वीकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24 AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासा सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अम्बरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कोट्टथम और बालासवर्णन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिवकार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम एफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट में 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है।
तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेंकटेश सेनगुप्तन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फोर टैटू रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय सविता राधा कृष्णन श्रद्धा केकर एज आर्यन ईशा कोप्पिकर एज इलीजा वॉइस डबड बाय सविता राधा कृष्णन करुणाकरन एज सुगृत राजा योगी बाबू एच टाइसन डेविड ब्रोटन डेविस एच डेक्स्टर विलियम्स बहन पूरिया एच तमिजस मदर बाला सरवनन एच तमिजस फ्रेंड राहुल मोहम्मद एच आर्यन हेंसमैन उज्ज्वल चोपड़ा एच चीफ साइंटिस्ट एच आर्यन इंडस्ट्रीज सीजॉय वर्गेस एच अर्जुन एलिस ऑफ एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल सिमलर सिमलर अन्नम एच कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर फाइनली भरत एच वीडियो कॉलर कोडांकी वेडिवेल एच ड्रंकर्ड लोकलीट सुमैथी एच चेन रॉबरी विक्टिम वेटरीवल राजा एच विलेजर सुजाता बाबू एच न्यूज रीडर मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमिया अपीयरेंस जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमिया अपीयरेंस और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमिया अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमिया अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री तीन फिल्मों का निर्माण किया था रैम 2016 की वेलाइकरण 2017 और शिमा राजा 2018 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरण और सिमरा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासित सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जोन पॉल कला निर्देशक टी मथुराज स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो आर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी इसको फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और
को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया कोट्टथम और बालासोरवनम समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जेरा जेस और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजेआर स्टूडियो, फैंटम एफएक्स स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केजेआर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिल और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस वनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन, करुणाकरन एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, भानपुरिया एज तमिजस मदर, बालासोरवनम एज तमिजस फ्रेंड, राहुल माधव एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजय वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरन और सीमा राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार
के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फेयर फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासात सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अमरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को शेयरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरनो को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कोट्टथम और बाला सरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जे राजेश और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए AR रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है KZR स्टूडियो, फैंटम इफेक्ट स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए KZR स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इस करंट टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन टैटूज वॉइस ओनली वेकेंटस सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ और टैटू, रकुल प्रीत सिंह एच तारा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलीजा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन, कुरुणाकरन एज सुगीतराजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, बहनपुरिया एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजो वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांगी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट वेटरीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर,
मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री राथ नावेल कैमियो अपीयरेंस यूरोज मॉरियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24 AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक और डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरन 2017 और शिमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिवकार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिवकार्तिकेयन ने वेलाइकरन और शिमयाराजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरन की रिलीज से पहले शिवकार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24 AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासा सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पॉल लुइसिन को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर बीस को फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और कुरुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कोट्टथम और बालासरवनन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिहित करने हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे
लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जया राजेश और इसे स्टारिंग दिए हैं शिव कार्तिकेयन राकुल प्रीत सिंह श्रद्धा केकर ईशा कोपीकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए ए आर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केजर जे आर स्टूडियो फैंटम एफेक्ट स्टूडियो आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए के जे आर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिव कार्तिकी एच तमिज और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस ओनली वेंकटेश सेनगुप्तन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन श्रद्धा केकर एज आर्यन ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन करुणाकरन एज सुगृत राजा योगी बाबू एज टाइसन डेविड ब्रोटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स बहन पूरिया एज तमिजस मदर बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड राहुल मोहम्मद एज आर्यन हेंसमैन उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज सीजॉय वर्गेस एज अर्जुन एलिस ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल सिमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम वेटरीवल राजा एज विलेजर सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर मुंशीकांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमिया अपीयरेंस जीरोज मॉरियन एज फेक मनी लेंडर कैमिया अपीयरेंस और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमिया अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमिया अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला अयाला तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिव कार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था रैम 2016 की वेलाइकरण 2017 और शिमा राजा 2018 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिव कार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरण और हिमया राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वस शाह सिनेमाटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई जिसमें संपादक लियो जोन पॉल कला निर्देशक टी मथुराज स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जोन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का
निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिवकार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केआर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को सैरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी इसको फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरी कौटथम और बाला सौरवर्धन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरसिम्हा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एलिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अयालन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए आर रवि कुमार और इसे लिखे हैं आर रवि कुमार और इसे प्रोड्यूस किए हैं कोटबड्डी जेरा जेस और इसे स्टारिंग दिए शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा केकर, ईशा कोप्पिकर और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए नीरव शाह और इसे एडिट किए रूपेन ए और इसे म्यूजिक दिए एआर रहमान और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है केआर स्टूडियो, फैंटम एफएक्स स्टूडियो, आदि ब्रह्मा प्रोडक्शंस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए केआर स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 12 जनवरी 2024 और इसका रनिंग टाइम है 155 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शिवकार्तिकी एच तमिल और सिद्धार्थ एच अयालन एक टैटूज वॉइस वनली वेकेंट सेनगुत्वन एज द मोशन कैप्चर ऑफ फॉर टैटू, रकुल प्रीत सिंह एज तारा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन, श्रद्धा केकर एज आर्यन, ईशा कोप्पिकर एज इलिजा वॉइस डबड बाय सविता राधाकृष्णन, करुणाकरण एज सुगृत राजा, योगी बाबू एज टाइसन, डेविड ब्रॉटन डेविस एज डेक्स्टर विलियम्स, भानपुरी एज तमिजस मदर, बाला सरवनन एज तमिजस फ्रेंड, राहुल माधव एज आर्यन हेंसमैन, उज्ज्वल चोपड़ा एज चीफ साइंटिस्ट एज आर्यन इंडस्ट्रीज, सीजय वर्गेस एज अर्जुन एलिज ऑफ एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल, सेमलर सिमलर अन्नम एज कैंसर अफेक्टेड गर्ल्स मदर, फाइनली भरत एज वीडियो कॉलर, कोडांकी वेडिवेल एज ड्रंकर्ड लोकलीट, सुमैथी एज चेन रॉबरी विक्टिम, वेट्रीवल राजा एज विलेजर, सुजाता बाबू एज न्यूज रीडर, मुंशी कांत एज इंस्पेक्टर श्री रथ नावेल कैमियो अपीयरेंस, जीरोज मारियन एज फेक मनी लेंडर कैमियो अपीयरेंस, और रवि कुमार एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला, दर्शन एज ट्रेन पैसेंजर कैमियो अपीयरेंस इन द सॉन्ग अयाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट 24AM स्टूडियोज शिवकार्तिकेयन के पूर्व प्रबंधक आर डी राजा द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी के बाद वाले अभिनेत्री 3 फिल्मों का निर्माण किया था, रैम 2016 की, वेलाइकरण 2017 और सीमा राजा 2018। 16 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने शिवकार्तिकेयन के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसे आर रवि कुमार द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इर्द्रु ने त्रुंदलाई 2015 के बाद यह उसकी दूसरी निर्देशित फिल्म होगी। इसे एक
महत्वाकांक्षी परियोजना बताते हुए शिव कार्तिकेयन ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी, जिससे फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले ही प्री प्रोडक्शन कार्यों के लिए अधिक समय मिल सके। इसके बाद रवि कुमार ने स्क्रिप्ट को बेहतर बनाया, जबकि शिव कार्तिकेयन ने वेलाइकरण और हिमया राजा में अभिनय किया। दिसंबर 2017 में वेलाइकरण की रिलीज से पहले शिव कार्तिकेयन ने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट के साथ रवि कुमार के प्रोजेक्ट पर दोहराया और यह भी स्पष्ट किया कि प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तकनीशियनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है, जो सीमा राजा पर उनकी प्रतिबद्धताओं के बाद शुरू होगी। 15 जनवरी 2018 को 24 AM स्टूडियो द्वारा अस्थायी शीर्षक इसके 14 अभिनेता की 14वीं फेयर फिल्म का संदर्भ के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी और AR रहमान को संगीत तैयार करने के लिए बोर्ड पर लाया गया था। द फिल्म अगले महीने निर्वासात सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिमिल में शामिल हो गए। अतिरिक्त तकनीशियन की घोषणा की गई, जिसमें संपादक लियो जॉन पॉल, कला निर्देशक टी मथुराज, स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अमनबरी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पल्लवी सिंह को शामिल किया गया। बाद में जॉन पॉल की जगह रूबेन ने ले ली। जुलाई 2019 में के मध्य में राजा और 24 AM स्टूडियोज ने वर्तीय बाधाओं के कारण फिल्म का निर्माण करने से पीछे हटने का फैसला किया और शिव कार्तिकेयन ने खुद अपने बैनर शिव कार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण करने का फैसला किया। हालांकि जब नवंबर में परियोजना के पुनर्जीवित किया गया तो केजर स्टूडियोज ने इसे परियोजना सहित राजा की परिस्थितियों को शेयरों का बनाने का फैसला किया था। निर्माताओं ने फिर अभी इसको फिल्म का शीर्षक आया और घोषित किया। चलिए फिर इस मूवी के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। रुकुल प्रीत सिंह को फरवरी 2018 में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था। उस अप्रैल में योगी बाबू और करुणाकरण को कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। 27 जून 2018 को फिल्म के लॉन्च के अवसर पर भानपुरिया, कौटथम और बाला सौरवर्धन समारोह में उपस्थित थे और सक्रिय रूप से फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे। जुलाई 2018 में नरमिशिम्मा 2001 के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिहित करने ते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ईर्षा कोप्पिकर को कास्ट किया गया। उन्होंने अपने किरदार एरिजा को एक घातक महिला और हथियारों के रूप में वर्णित किया, जो टॉम रेडर ने किरदार लारा क्रॉफ्ट से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।